बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आप लोगों को इलेक्शन बॉक्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन बॉक्स में हम पाकिस्तानी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आप लोगों तक शेयर करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर जल्दी से हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, आज के टॉपिक की जानिब, और देखते हैं कि आज हम कौमी असम्बली के कौन से हलका इंतखाब और उसके रिजल्ट्स आप लोगों तक शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आज जो हमारा कौमी असम्बली का हलका है उसका नाम NA-35 है। अब इस हलके का नाम चूँकि नई हलका बंदियों के मुताबिक चेंज करके NA-8 रख दिया गया है, और ये मालाकंड जो है उसका बुनियादी तौर पर ये रिवायती हलका है जिसका मैप आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, अब जल्दी से बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में इस मालाकंड के हलका NA-35, जिसको अब NA-8 कहते हैं, यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले में आए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2002 के इंतखाबात की जानिब। इलेक्शन 2002 NA-35, जिसको अब NA-8 मालाकंड कहते हैं, यहाँ से जो पहले उम्मीदवार सामने आए थे उनका नाम मौलाना इनायतुर्रहमान था और वह मुतहदा मजलिस अमल की जानिब से उम्मीदवार थे, और इनका मुकाबला हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लाल मोहम्मद खान से। दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो मुतहदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना इनायतुर्रहमान हासिल कर सके 37,663 वोट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लाल मोहम्मद खान हासिल कर सके 17,538 वोट। तो इस तरह से, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि मौलाना इनायतुर्रहमान, जिनका ताल्लुक मुतहदा मजलिस अमल से था, वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए इस हलका से और इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में पहुँचे। दोस्तों, अब जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2008 के इंतखाबात में इस हलका NA-35, जिसको अब NA-8 कहते हैं और ये मालाकंड का हलका है, यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे के मद मुकाबल आए थे। तो सबसे पहले उम्मीदवार, उनका नाम निसार मोहम्मद था और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ की जानिब से उम्मीदवार थे। इनका मुकाबला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लाल मोहम्मद खान से। और दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं निसार मोहम्मद खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ, ये हासिल कर सके 15,028 वोट, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लाल मोहम्मद खान ने हासिल किए 34,473 वोट। और इस तरह से लाल मोहम्मद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नशस्त जितवाने में कामयाब हुए और वो ख़ुद कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में पहुँचे। दोस्तों, ये 2008 के इंतखाबात थे। इससे पहले कि हम 2013 के इंतखाबात की जानिब और उसके रिजल्ट्स आप लोगों तक शेयर करें, अगर आप लोग इस कौमी असम्बली के हलका से ताल्लुक़ रखते हो तो बराए मेहरबानी आप लोग यूट्यूब की वीडियो पर लाजमी कमेंट करके आप लोग हमें अपनी मालूमात से आगाह कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हो, सराह रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर्स एड वर्क्स का, जिनके तावन से हम ये काविशें और ये वीडियोज़ आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्पॉन्सर्स के एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उसके फौरन बाद वापस आकर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ट्स, वी हैव एक्सपर्टीज इन ऑल काइंड ऑफ इलेक्शन पब्लिसिटी, टीवी एंड सोशल मीडिया वीडियो एड्स, पार्टी एंड कैंडिडेट्स इलेक्शन सॉन्ग्स, प्रोफेशनल स्टूडियो फॉर कैंडिडेट्स फोटोशूट, ऑल काइंड ऑफ प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स like party flags, posters, banners, banner flags and many more. Don't hesitate to call at 0300-4684-564. जी दोस्तों, वेलकम बैक। और अब हम देखते हैं कि 2013 के इंतखाबात में इलेक्शन 2013 में इस NA-35, जिसको अब NA-8 कहते हैं और ये मालाकंड का कौमी असम्बली का हलका है, यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार
کون کون سی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے آئی تھیں. تو سب سے پہلے جو امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام محمد سعید تھا اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان تھی. ان کے مقابلے میں جو امیدوار سامنے آئے ان کا نام جنید اکبر خان تھا اور ان کی پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا. اسی طرح سے جو تیسرے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام لال محمد خان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے اس الیکشن میں اس مقابلے میں سامنے آئے. دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے محمد سعید نے حاصل کیے اس الیکشن میں 22,268 ووٹ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جنید اکبر خان حاصل کر سکے 51,249 ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار لال محمد خان نے حاصل کیے صرف 19,116 ووٹ. تو تقریباً دیکھا جائے باقی دونوں امیدواران کی نسبت دگنے سے بھی زیادہ ووٹ لے کر جنید اکبر خان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار قومی اسمبلی کے اس حلقہ NA-35 جس کو اب NA-8 مالکنڈ کہتے ہیں یہاں سے ممبر منتخب ہوئے اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی لائک کریں, کمنٹ کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تیر کے نشان کے نیچے آپ لوگ جو آئیکن دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ فیس بک پر بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی دوستو آپ لوگ اوپر ویڈیو کے لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک اللہ حافظ و ناصر.